अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार वीडियो में बहुत ज्यादा काला काला हो गया, लेकिन इन गलियों से इन पेड़ों को देखते हुए गुजरना एक मजेदार एडवेंचर ही समझो। ठंड तो बहुत लगती है यार इधर, लेकिन यार मेरा फिर भी मन कर रहा है कि यार मैं नहा लूं। और ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली ग्यू विलेज। क्या गाँव है भाई, ऐसे गाँव तो मैंने कभी नहीं देखे पहले। मतलब मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं आया भाई इधर। सो आई हैव रीच्ड सुंदो विलेज और यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है। शायद यहाँ पे एंट्री करनी पड़े और शायद ना भी करनी पड़े। DL3S राहुल कुमार पांडे दिल्ली। ठीक है जी, ज्यादा देरी ना करते हुए और ना ही ब्रेक लेते हुए, क्योंकि ब्रेक हम लेंगे तो आलस आ जाएगा। भाई यहाँ से मेरे को लगता है कि मम्मी वाला रास्ता है और काजा जाने का अलग रास्ता है, मम्मी जाने का अलग रास्ता है। बैटरी खत्म हो गई है तो अभी दूसरी बैटरी लगाई हमने। जल्दी चल राहुल, जल्दी चल, 5 बज गया। तो गाइस यार अभी मैं रुका हुआ था, मेरा जो बैटरी है ना हीरो गोप्रो का वो खत्म हो गया था, मैं बैटरी चेंज कर रहा था। अभी मैंने सुमदो पार कर लिया था। सुमदो से जब आप आओगे ना तो आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक काजा जाने के लिए और दूसरा रास्ता सुमदो के लिए ऊपर चला जाता है। तो ऊपर ना जाते हुए आपको काजा वाले रास्ते पे ही आना है और काजा वाले रास्ते पे ही आपको ग्यू विलेज मिलेगा। आगे आप देखो हमें कितनी देर में मिलता है ग्यू विलेज। जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ इस रास्ते से राइट के लिए टर्न आएगा ग्यू विलेज के लिए, वहाँ पे हम जाके मम्मी का हाल चाल लेंगे। और बाकी अभी यहाँ से 1 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है अगर मैं ग्यू मोनेस्ट्री जाता हूँ और वापस आके फिर ताबो जाने के लिए 1 घंटे 24 मिनट, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। खैर वहाँ पे मैं 15-20 मिनट रुकूंगा। अभी ग्यू विलेज में मैं वही मम्मी देखने के लिए ही जा रहा हूँ, वहाँ ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। और जो मेन रोड है ना जिसपे मैं चल रहा हूँ इससे बस 11 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन रोड से मेरे को 11 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा और वापस भी आना पड़ेगा। अभी देखते हैं वाकई ऐसा ही है या नहीं है। तो देखने के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें यार उस वाले रोड पे जाना है और वो इस वाले रोड से कितना पास है ना, लेकिन यहाँ से कोई ब्रिज वगैरह नहीं है और मुझे वहां से घूम के इस वाले रोड पे आना पड़ेगा। नीचे मैं अभी देख रहा हूँ ना जो पानी है ना रिवर का एकदम अति काला यार, मतलब जितना आपने हद से ज्यादा काला देखा होगा ना उससे भी ज्यादा काला ही है ये नीचे का पानी। मे भी यार ये पहाड़ों के ऊपर से आ रहा होगा, ये पहाड़ों का जो कालापन है ना वो ही लग गया होगा। ये पहाड़ों का कालापन निकल रहा है बिल्कुल है। आज की वीडियो में यार बहुत ज्यादा काला काला हो गया। पीछे तो नहीं था, पीछे तो नहीं था। ग्यू की जो मम्मी है उधर जाना है। सही पकड़े हम एकदम, पीछे वाला ही कट था। यहाँ जाना है 11 किलोमीटर और वापस भी आना है 11 किलोमीटर यहाँ, और जिस रास्ते से अभी कार आ रही थी ना उस रास्ते पे वापस मुझे जाना पड़ेगा ताबो के लिए। ये वाला गेट बिल्कुल याद रखे जहाँ से आपको ग्यू विलेज जाना है। ये है ग्यू विलेज के रास्ते और ग्यू विलेज के रास्तों पे राहुल पांडे आ गए हैं अपनी होंडा शाइन लेके। रास्ते तो ठीक ठाक है अभी तक, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है और जो काला वाला पानी है ना वो इसी में बह रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार वीडियो में बहुत ज्यादा काला काला हो गया, बहुत ज्यादा कालापन फैल गया हमारी वीडियो में। लेकिन मजा आ रहा है यार, अपने आप से बातें करने में भी मजा आता है यार। अभी एक पत्थर गिरा था मेरे आगे, छोटा सा ही था लेकिन पहला पत्थर स्पीति वैली में जो मेरे आगे गिरा है। आई होप और नहीं गिरना चाहिए, मैं ऐसा एडवेंचर नहीं चाहता बिल्कुल भी। लेकिन क्या चीज है यार, देख रहे हो आप सामने क्या चीज है, स्पीति वैली स्पीति वैली है भाई। बस वही नाकों के बाद सुमदो तक अच्छा रोड जरा बन जाए एकदम मजा ही आ जावे फिर तो, समझ रहे हो। बाकी स्पीति वैली में कोई दिक्कत नहीं, मजेदार रोड है एकदम।
और आज मेरे को ऐसा लगता है ना भाई कि रात में भी राइड हो जाएगी मेरी, तो ऐसा लगता है। लेकिन मैंने घर वालों को बोला था यार रात में नहीं चलाऊंगा, और मैंने अपने आप को भी बोला था, घर वालों को तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले तो मैं अपने आप को बोलूंगा ना राहुल नाइट राइडिंग नहीं करनी है तुम्हें। लेकिन देखते हैं यार, अभी 5 बज चुके हैं और धूप तो अभी है वहां पे। कल जब मैं चितकुल पहुंचा था ना, मेरे पहुंचने के काफी देर बाद तक धूप थी यार। मैं 6 बजे पहुंचा था और 6 बजे के काफी देर बाद तक, मतलब 7:15 तक धूप थी। मेरे को ऐसा लगता है आज भी ऐसा ही होगा, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, तो सूरज यार उतना ही अपना मेहरबानी दिखाएगा। यहाँ भी 7 बजे तक अंधेरा होगा, तो तब तक हम ताबो पहुंच जाएंगे मेरे को ऐसा लगता है। 5-1 किलोमीटर हम आगे होंगे, थोड़ा सा और जाना है 5-7 किलोमीटर, फिर हम पहुंच जाएंगे ग्यो विलेज। ग्यो विलेज जाते समय ना यार, ये छोटे छोटे आपको यार पहाड़ों के अंदर पेड़ भी मिलेंगे। ये जंगली पेड़ है या किस चीज के पेड़ है यार समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन गलियों से इन पेड़ों को देखते हुए गुजरना एक मजेदार एडवेंचर ही समझो। ठंड तो बहुत लगती है यार इधर, लेकिन यार मेरा फिर भी मन कर रहा है कि यार मैं नहा लूं, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं और नहा के ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। मैं काफी दूर से अभी चलते आ रहा हूँ भाई, मम्मी आने का नाम ही नहीं ले रही भाई। और ये जो सूरज की रोशनी पड़ रही है ना मेरे ऊपर, ये एकदम फ्रेश है, ऐसा लग रहा है कि बल्ब जल रहा हो, बादल है और उसके पीछे ऐसा कोई बल्ब जला दिया हो, ऐसा एकदम महसूस हो रहा है। और अभी तो बादल हट गए तो डायरेक्ट पड़ रही है धूप, और काफी ज्यादा सही लग रही है यार, शहरों में ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है मुझे कि एकदम फ्रेश वाला सूरज है, और शहरों में थोड़ा सा अलग होता है, शहरों में यार थोड़ा मिलावटी होता है सूरज भी ये बात सही है यार, नेचर में भी मिलावट हो जाती है शहरों में, और आप जब नेचर में आके डायरेक्ट नेचर देखोगे ना तो काफी ज्यादा सही लगेगा आपको। और ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली ग्यो विलेज। मम्मी कहाँ है? मम्मी उधर से, इधर से, इधर की उधर, यहां से जाओ। अच्छा ऊपर, ठीक है जी, पूछ लेना ज्यादा सही होता है भाई, पता चले हम ढूंढते रहे। अभी और ऊपर तो नहीं है ये, कोई मेरे धोखा तो नहीं है। वेलकम मम्मी रोड लिखा हुआ है। क्या गांव है भाई, ऐसे गांव तो मैंने कभी नहीं देखे पहले, ऐसे गांव भाई। गांव के अंदर हमारी शाइन भी आ गई है, देख रहे हो, हिमाचल के ऐसे गांव भाई, लाहौल स्पीति के ऐसे गांव। हो, लोग यहाँ भी रहते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे सर्दियों में तो भाई ऐसा हो जाता होगा जैसे एकदम व्हाइट डेजर्ट बन जाता है। कहाँ है मम्मी? अरे मैं फिर तो नहीं खो गया? मम्मी का घर कहाँ है? हा, भैया वो मम्मी कहाँ है, कितना दूर है अभी? अरे भाई वो तो बहुत दूर है यार। अरे भाई वो जो हमने देखा था ना जीरो, वो भाई ग्यो विलेज का था। ग्यो विलेज तो यही है, लेकिन जो ग्यो की मम्मी है ना वो ऊपर है भाई। कोई बात नहीं, आए हैं तो देखे बिना तो जाएंगे नहीं। और काफी सही लगता है मेरे को यार, ये दोनों साइड से ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। और बीच में से मैं जा रहा हूँ और सामने देख रहे हो व्यू, आप लोगों के लिए ग्यो विलेज भी आ गए हैं, देख लो भाई। मतलब मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं आया भाई इधर, मेरे पूरे खानदान में कोई स्पीति नहीं किया आज तक, राहुल पांडे ने कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया खानदान में आ जाए। मैं भी यार औरों का इंटरेस्ट नहीं होगा यार ट्रेवल में, इसलिए नहीं आए होंगे, और क्या, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग भी आ सकते हैं भाई। भाई भीड़ तो ऐसे लग रही है वहाँ लोग, लेकिन वापसी जा रहे हैं, मेरे से पहले जो आए हैं ना वो वापस जा रहे हैं, हमारे कुछ राइडर भाई भी आए हैं भाई। ये वही राइडर थे जो मुझे वहां मिले थे स्पिलो के पास, और जो मुझे पहले दिन मिले थे शिमला जब मैं एंटर हो रहा था, ये वही वाले राइडर है भाई। शाइन आखिर कितना भी धीरे धीरे चले, लेकिन यार उन लोगों को यार पकड़ ही लेती है, और इन्होंने हमें पकड़ लिया है। क्यों भाई,